हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राहुल चौहान, और आप देख रहे हैं ट्रायल विद ठाकुर। तो हम देखने गए थे आगरा ताजमहल, और हमारे साथ हुआ एक इंसिडेंस। अगर आप भी कभी ताजमहल देखने आगरा जा रहे हैं, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप आगरा जाते हैं तो वहाँ पे तांगे वाले रहते हैं, तो उन तांगे वालों ने हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया है और हमारे पास से कैसे पैसे लिए, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारे साथ रियल इंसिडेंस हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे हुआ था। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं आगरा में, और यहाँ से ताजमहल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम जाने वाले हैं घोड़ा गाड़ी में। यहाँ से आगे जो हमें घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी, हम तांगे में ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले कभी बैठे नहीं है तांगे में। तो आज बैठ कर ट्राई करेंगे कि कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है तांगे में। चले देखते हैं। यहाँ से एक वो सामने बोर्ड है, ताजमहल 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये है तांगे वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है ताजमहल जाने के लिए? हाँ, कितना है? वही 100 रुपीज़ लेते हैं। 100 रुपीज़ पूरी गाड़ी का। 100 रुपीज़ पूरी गाड़ी का? अरे लेकिन ताजमहल तो 1 किलोमीटर ही है। यहाँ से 1 किलोमीटर है, उसमें 100 में उसमें आपको मिनी ताजमहल, मीना हाँ। बाजार, पेटा मार्केट सारा घुमा के ताजमहल छोड़ेंगे। जब 100 रुपीज़ लेंगे तब 100 रुपीज़। ठीक है, चलो आइए। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि इस तांगे वाले ने हमें बताया कि वो हमें मीना बाज़ार, फिर मिनी ताजमहल, ठीक है, और ताजमहल घुमाने लिए जाएगा 40 मिनट के लिए। ठीक है, अभी देखो ये हमें कैसे हमारे साथ स्कैम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने हमारे साथ कैसे स्कैम किया। कितना टाइम लगेगा ये सब घूमने में? वो आपको लगेगा 30 से 40 मिनट लगेगा। उतने में हो जाएगा ना सब कुछ? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या नाम है आपका? अरे किस में? हाँ, क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, ये है, देखिए ये है अरमान भाई, जो हमको तांगे में घुमाने वाले हैं, ठीक है। और ये है उनका तांगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है उनका तांगा, यहाँ पे बैठा है। आप लोग आगे आइए, सर हम आगे आ जाओ। बैठा है इस पे, रख के बैठिए। लाइव और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है ताजमहल। तो बस हम बस निकल ही रहे हैं। ये अरमान भाई है, वो सब हमको घुमाने वाले हैं यहाँ पे सारी चीजें, मैंने बोला है, ठीक है। तो गाइस, अभी हम बैठे हैं तांगे में, और घोड़े का नाम है सुल्तान, और सुल्तान निकल पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, सुल्तान हमारा निकल पड़ा है। मैं चलाऊंगा, अरे मुझे आता भी नहीं है गाइस। तो हम घोड़ा चला रहे हैं और सुल्तान दौड़ रहा है, हम बैठे हुए हैं, क्या बात है। मैं अलाउड नहीं है। क्या अलाउड? वीडियो। क्यों? पूरी की पूरी मूवियाँ बनती हैं ताजमहल में। बनती हैं। हाँ, तो फिर लेना पड़ती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरा मिनी ताजमहल में बनती है। अच्छा भाई साहब बोल रहे हैं कि ताजमहल में वीडियो अलाउ नहीं, जितना हो सकता है उतना हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं कि कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, हम आपको दिखवाते हैं, और कौन सी चीज़ें नहीं। बताओ आप हमें क्या डालो? अनुमति भाई। हाँ डालो अनुमति। क्या लाइव पे मत डालना? लाइव में नहीं है जे। हाँ है ना, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो रहने दो भाई, मेरे बेचने का होगा ना। अच्छा, इसमें बेचने कैसे? क्या बताइए, क्या बताइए? मैं आपको दिखाऊंगा मिनी ताजमहल। मिनी ताजमहल, मिनी ताजमहल वो है। अभी आप ताजमहल देखने जाए ना, राइट, तो आपको ताजमहल खुलता था 750 रुपये का टिकट लगता है नाइट का देखने का। ओके, वो गवर्नमेंट टिकट है, फ्री फ्री ताजमहल के। मिनी ताजमहल ऐसे रात में ताजमहल कहता है, कौन सोता है, मून लाइट, सनसाइट, राइट, सनराइज, तो तीनों शो देखने मिलते हैं फ्री। अच्छा, ताजमहल के ताजमहल के उसके अंदर ही आपको देखने को मिलता है मीना बाजार। मीना बाजार ऐसे ताजमहल के अंदर लगा करता था ना मीना बाजार, पहले हाँ।
सब हटा दिया वहाँ से। अच्छा वहाँ से हटा दिया, सब लोग इधर कर दिया है। इधर कर दिया है, सब लोग देखने जाते हैं ना। हाँ सब लोग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ का फेमस आइटम होता ना, हम केला खाते ना, केला, केले के पत्ते का साड़ी, केले के तने का साड़ी। अच्छा 100 ग्राम का रजाई, मच्छर पकड़ने का बेडशीट, अच्छा छोटे छोटे ताजमहल, अच्छा लेदर आइटम ये आपको देखने को मिलते हैं मीना बाजार के अंदर। ओके देखने का कुछ ऐसा नहीं है, मिला 20 मिला 30 मिला आराम से देख के आना मीना बाजार में। हाँ जी अच्छा, तो देखने का कोई पैसा नहीं है। अच्छा खरीदने का पैसा है, खरीदने का पैसा, अच्छा पैसा लगेगा तो लेना। सही है, तो अभी आप हमें पहले मीना बाजार लेकर जाओगे, मिनी ताजमहल, मिनी ताजमहल मीना बाजार, उसके बाद मीना बाजार। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले मीना बाजार, उसके बाद नहीं यहाँ पे सबसे पहले हम मिनी ताजमहल देखने जाएंगे। अच्छा आ गया गाइस, अभी हम आए हैं मिनी ताजमहल देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वीडियो अलाउ नहीं है, तो अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं अगर पिक्चर लेने की कोशिश करूँगा अगर हो पाएंगी तो, अंदर कैसी चीज़ें क्या क्या है मैं आपको दिखाऊँगा, है ना। ठीक है, तो भाई मैं जो ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वो इस दुकान के अंदर वो मुझे ले गया और ये मुझे ताजमहल दिखाया और बोल रहा था कि इस ताजमहल की मूवियों में शूटिंग होती है, और वो बोल रहा था कि ये मिनी ताजमहल है, ठीक है, और इसी दुकान के अंदर वो सारी चीज़ें थी लाइक द साड़ियाँ और दूसरा वो कुछ सब कुछ सामान, और वो बोल रहा था कि यही आपका मीना बाज़ार है, मैं आपको जो घुमाने वाला था मीना बाज़ार वो ये मीना बाज़ार है। ठीक है, तो उसने हमको ये एक दुकान के अंदर ले गया और सारी चीज़ें हमें उस दुकान के अंदर दिखाई, और वो बोल रहा था कि यही पूरा का पूरा मीना बाज़ार है। तो आप देख सकते हो उसने हमको हमारे साथ कैसे स्कैम किया, और अभी तो एक और स्कैम करेगा वो, कि उसने हमको बोला था कि वो हमको ताजमहल के पास लेकर छोड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो हमको कहाँ छोड़ रहा है, तो उसने जहाँ से हमको पिकअप किया था वहीं जाकर वो हमको वापस छोड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो हमको कहाँ पे छोड़ता है। तो गाइस हमारी सवारी वापस निकल चुकी है ताजमहल की ओर, अभी से हम ताजमहल ही जाएंगे, है ना, हमारी सवारी सीधी ताजमहल की ओर निकल चुकी है, यहाँ से सीधा हम ताजमहल जाएंगे। तो गाइज ये हम वहीं वापस आ गए जहाँ से उसने हमको पिकअप किया था, और हमने जब उसको पूछा तो वो बोल रहा था कि हम सिर्फ यहीं तक आ सकते हैं, इसके आगे हमारे जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, वास्तव में हमें जाना था ताजमहल, और वो हमें एक दुकान के पास ले गया और वहाँ से हमको वापस लेकर आया, और उसने हमारे पास से इसके लिए उसने हमारे पास से 100 रुपये ले लिए। अब वहाँ पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये इलाका उन लोगों का था, तो वहाँ पर हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो आपने देखा गाइस कि उन तांगे वालों ने हमें जिस जगह से हमें पिकअप किया था हमें वापस उसी जगह पे छोड़ा, और उन्होंने हमारे पास से 100 रुपये लिए, जबकि उन्होंने हमें बोला था कि हम आपको मिनी ताजमहल घुमाएंगे, उसके बाद मीना बाजार घुमाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आपको ताजमहल तक छोड़ेंगे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमें सिर्फ एक चक्कर लगवाया, ठीक है, और वापस हमें वहीं पे वहीं छोड़ दिया। तो आप अगर कभी भी अगर ताजमहल देखने जा रहे हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो बसेस चलती है, बसेस मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट की टिकट लेके 20 रुपये टिकट लेके आपको सीधा ताजमहल के आगे छोड़ते हैं, उसी में जाइए, ये तांगे वालों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू।